रूबिका, बिल्कुल एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर है। दिन भर हम देख रहे हैं राजनीतिक घटनाक्रम और फिर स्टेट पुलिस और सेंट्रल एजेंसीज, और अब आपको जो तस्वीर दिखाता हूँ वो भी बेहद चौंकाने वाली है। वो सबसे पहले तो आप बिल्डिंग देख लीजिए, ये बिल्डिंग है कैसर है हिंद बिल्डिंग, और ये चौथी मंजिल पर है ईडी दफ्तर। यहाँ पर सुबह जब नवाब मलिक आए तो बैरिकेड लगा दिया गया। यहाँ आप बैरिकेड देख लीजिए। अब बैरिकेड के बाईं तरफ देखिए आपको कौन नजर आएगा। एक तरफ आपको नजर आएंगे मुंबई पुलिस के ये जवान, बीच में ये रस्सी खींच दी गई है, महिला पुलिसकर्मी है और स्थानीय पुलिसकर्मी है और महाराष्ट्र पुलिस के जवान है। वहीं दूसरी तरफ अब आपको बैरिकेड के दूसरी तरफ का हिस्सा दिखाते हैं। यहाँ पे आपको सीआरपीएफ के जवान नजर आएंगे और जो मुंबई पुलिस के वो अधिकारी हैं वो जाके सीआरपीएफ के जवानों से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन आप पूरा परिसर देखें, पूरा जो बैरिकेड लगाया गया है, चाहे वो सामने का सिरा आपको नजर आ रहा होगा तस्वीरों में या फिर जहां हम इस वक्त खड़े हैं रस्सी के पास, वो सिरा आप देखें तो आपको सिर्फ और सिर्फ सीआरपीएफ के जवान नजर आएंगे। तो दूसरी तरफ, एक तरफ हम ये आप देखिए सीआरपीएफ के जवान, दूसरी तरफ यहां देखिए मुंबई पुलिस के तमाम जवान जो है वो सुबह से यहां पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को कंट्रोल किए हुए हैं। निश्चित तौर पर सुबह से हम देख रहे हैं कि स्थिति किस प्रकार से हुई थी। बहुत सारे एनसीपी के कार्यकर्ता नजदीक आने की कोशिश कर रहे थे, कोई अप्रिय घटना ना हो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ना हो, यही प्रयास मुंबई पुलिस भी कर रही थी, यही प्रयास सीआरपीएफ भी कर रही थी। लेकिन ये तस्वीर बड़ी दिलचस्प है। सुबह से हम देख रहे हैं कि बीजेपी वर्सेज एनसीपी या एमवीए सरकार वर्सेज बीजेपी, ये तो चल ही रहा है यहां पर, लेकिन देखने को रहा है बहुत दिलचस्प तस्वीर है। ये जो सामने का सड़क हम दिखा रहे हैं, ये सामने का सड़क एनसीपी दफ्तर की ओर जाता है। ये इसी इमारत के ठीक पीछे एनसीपी का दफ्तर भी है और आसपास में ही है। वहां पे भी देखिए जो बैरिकेड लगा दिया गया है, परिसर को घेर दिया गया है, वो इलाका जो है वहां पर मुंबई पुलिस है, चूंकि वहां से एनसीपी के कार्यकर्ता आ सकते हैं। जब नवाब मलिक को यहां से निकाला गया था तो एनसीपी के कार्यकर्ता बहुत तेजी से ईडी के दफ्तर की तरफ बढ़ते गए, लेकिन कहीं ना कहीं अब रात की बात है। और आपको बता दें एक अपडेट, थाने शहर के मुमरा इलाके से बहुत सारे संख्या में एनसीपी के कार्यकर्ता ईडी दफ्तर के लिए रवाना हुए हैं। तो क्या रात में या कभी यहां एनसीपी के कार्यकर्ता जमा होकर हंगामा कर सकते हैं, कोई स्थिति खराब हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो सकती है, इस बात का मुआयना करते हुए या मूल्यांकन करते हुए सीआरपीएफ के जवान यहां पर अंदर, इतना जो क्षेत्र है ईडी का, यह कैसर हिंद बिल्डिंग के ठीक सामने का जो क्षेत्र है वो सीआरपीएफ के जवानों ने अपने कब्जे में ले लिया है, ऐसा हम कह सकते हैं। और क्योंकि मुंबई पुलिस के जो अधिकारी हैं वो जाकर इन सीआरपीएफ के जवानों से बात कर रहे हैं, इनके वरिष्ठों से बात कर रहे हैं, लेकिन तस्वीर तो यही नजर आती है। एक तरफ आप देखिए तस्वीर में, ये हम बाई तरफ दिखा रहे हैं मुंबई पुलिस के जवान और दाई तरफ हम दिखा रहे हैं सीआरपीएफ के जवान। बीच में ये बैरिकेड है, बैरिकेड इसलिए लगाया गया है कि कोई भी व्यक्ति इसके भीतर नहीं जाएगा। यहां मीडियाकर्मियों को भी यहां की जगह दिया गया है, यहां अंदर जाने की मनाही है। सिर्फ जो ईडी के अधिकारी हैं और संबंधित जो वाहन है या अन्य व्यक्ति उससे जुड़े हुए, केस से जुड़े हुए लोग, वही लोग अंदर जा सकते हैं। तो ये तस्वीर भी रूबिका बेहद ही दिलचस्प है और बेहद महत्वपूर्ण भी है। जी एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।